गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपका पहला लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन एक कविता है और कविता का नाम है इतने ऊंचे उठो। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब हम इस कविता का सारांश पढ़ेंगे। सारांश क्या है, इसमें कवि ने क्या बताया। इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य को समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से ऊपर उठकर सच्चा इंसान बनना है। कवि समाज में जो व्याप्त पुरानी बुराइयां हैं, जो परंपरा है, उनको छोड़कर नवीनता का संचार करना चाहता है। वह एक नए समाज का निर्माण करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है कि प्राचीन समय से अतीत से हमें उतना ही लेना है, उतना ही सीखना है जिससे समाज की भलाई हो सके। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, गतिशील करना है, अच्छे कर्म करने हैं और ये कोशिश करनी है कि प्रकृति भी हमारा साथ देगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी और हम एक सुंदर समाज का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अब देखो पद देखो, पहला जो दिया हुआ है आपकी बुक में, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मले पवन में। कवि कहते हैं कि हमें नए समाज के निर्माण के लिए अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से, सभी को बराबर नज़र से देखना है। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, बारिश हर जगह एक जैसी होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना है। जिस प्रकार मल्ले पर्वत से आने वाली हवा है वो वातावरण को बराबर शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें भी नफरत की आग को समाप्त करके समाज में शीतलता और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। ये अब देखो दूसरा पद दे जो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी कुंची से, अपनी ब्रश से चित्रों में रंग भरता है, उसी प्रकार संगीतकार अपने राग से स्वरों में रंग भरता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजनात्मकता को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना चाहिए। यह आपके दो पद्य आज मैंने पढ़ा दिए हैं, इनको नोटबुक में करना है और याद भी करना है। बाकी जो दो पद्य हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।